मेरे भक्तों, आज तुम्हारी तंत्र विद्या पूरी हुई। अब तुम इंसान की दुनिया में जाकर इंसान का शिकार कर सकते हो। शहर में जाकर तुम अपनी हुकूमत कर सकते हो। जाओ और जाकर अपनी जिंदगी मजे से गुजारो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन वो चारों तैयार होकर इंसानों की खोज में निकल जाते हैं। अरे बोंदू, तुझे तो कोई तंत्र नहीं आता, फिर तू क्यों जा रहा है? अरे भाई, मैं अपने दोस्त के साथ रहकर मजे करना चाहता हूँ। तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चल ठीक है बोंदू, तू चल हमारे साथ, हम इंसानों का शिकार करेंगे। तू इंसानों के खून का सूप बना दिया करियो और उनके मांस को आग पे भून दिया करियो। हाँ भाई बोंदू, तेरे लिए ये काम सही रहेगा। तेरे बस की कहाँ किसी इंसान को मारना। वो सब तो ठीक है, पर हमें अभी तक कोई इंसान क्यों नहीं मिला? अबे बोंदू, ये एक जंगल है, यहाँ इंसान नहीं मिलेगा। इंसान तो किसी शहर या गांव में मिलेगा। ओह अच्छा। तभी उन चारों को जंगल में हड्डियाँ दिखाई देती है। ये हड्डी तो किसी जानवर की लगती है, पर ये हड्डी किस जानवर की है? चलो पता लगाते हैं ये हड्डी किस जानवर की है। अरे भाई रहने दो, क्यों कोई फालतू काम करना। अरे बोंदू, तू तो चुप ही रह, तुझे कुछ आता तो है नहीं। अच्छा ठीक है भाई, पता लगाओ। पर ये पता कैसे लगेगा? मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। अच्छा तो मैं इन हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। अच्छा तो मैं इसमें जान डाल सकता हूँ, मैं इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। अरे भाई तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे पहले पेड़ पर चढ़ जाने दो। बोंदू पेड़ पर चढ़ जाता है। एक मॉन्स्टर अपनी तंत्र विद्या से उन हड्डियों को जोड़ देता है, दूसरा मॉन्स्टर उस पर मांस चढ़ा देता है और तीसरा मॉन्स्टर उसमें जान डाल देता है। वो जानवर जिंदा हो जाता है और उन तीनों को जान से मार डालता है। उस जानवर के वहां से चले जाने के बाद बोंदू पेड़ से नीचे उतरता है और रोने लगता है। मैंने बोला था ऐसा मत करो, अपना ज्ञान सोच समझ कर सही जगह प्रयोग करना चाहिए।